हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बिल्कुल ठेले जैसी भेल पूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार होगा जैसे कि ठेले पर हम जाकर खाते हैं भेल पूरी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लो फ्लेम पर कढ़ाई गर्म किया है, इसमें हम मुरमुरे डाल देंगे यानी कि पफ राइस। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के लगभग में मुरमुरे का इस्तेमाल किया है और इसे हमें लो फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। ऐसा करने से जब हम भेल पूरी बनाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा देर तक ये क्रिस्पी बना रहेगा। और आप देख सकते हैं मैंने इसे करीब 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई कर लिया और इसका कलर चेंज हो गया है और ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो गया है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, देखिए। तो आप चाहे तो बिना इसको रोस्ट किए ही भेल पूरी बना सकते हैं, लेकिन रोस्ट करके बनाएंगे तो ज़्यादा देर तक क्रिस्पी बना रहेगा। तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया, हम इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब मुरमुरे पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी हम इसमें बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमकीन। तो मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है कॉर्नफ्लेक नमकीन, ये मिक्स किया हुआ नमकीन है। 1/2 कप मैं इसमें डाल रही हूँ चना मसाला, आप चाहे तो चना दाल नमकीन भी ले सकते हैं। 1/2 कप मैं इसमें डाल रही हूँ आलू भुजिया नमकीन। तो आपके पास जो भी नमकीन अवेलेबल हो, जितने तरह का नमकीन अवेलेबल हो, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज के टमाटर, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 1 बड़े साइज के आंबी को मैंने आधा काट कर छील लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने ऐसे बारीक से चॉप कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा ना तो खट्टा है ना ही बहुत ज़्यादा मीठा है। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़े साइज का प्याज बारीक चॉप किया हुआ, 1 बड़े साइज का उबला हुआ आलू जिसे मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया है। आप चाहे तो इसमें खीरा भी मिला सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4-5 कटी हुई हरी मिर्ची। तो मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा कितना तीखा पसंद करते हैं। धनिया का पत्ता डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ, तो मैंने थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाला है। 1/2 चम्मच के लगभग में हम इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला चटपटा टेस्ट के लिए। इसी के साथ मैं इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच के लगभग में। हमने हरी मिर्ची भी डाला है तो लाल मिर्ची कम डालिएगा। कलर के लिए मैं इसमें 2 पिंच हल्दी डाल रही हूँ, आप चाहे तो हल्दी को स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें 2 चम्मच के लगभग में हरी चटनी डाल रही हूँ। तो धनिया टमाटर हरी मिर्ची लहसुन अदरक और नमक डालकर ग्राइंड कर लिया है, तो हमारी हरी चटनी तैयार हो गई है। 1 छोटी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक। 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे सफ़ेद नमक, या फिर आप चाहे तो सिर्फ काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2-3 चम्मच के लगभग में मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो केचप। तो आप चाहे तो टोमेटो केचप की जगह इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इमली की चटनी। तो मैंने खटास के लिए आम डाल दिया है, इसलिए मैं इसमें इमली की चटनी नहीं मिला रही हूँ, आप चाहे तो मिला सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच के लगभग में नींबू का रस। बहुत ज़्यादा तीखे चटपटी हमारी ये भेल पूरी बनकर तैयार होने वाली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम ठेले पर जाकर खाते हैं। और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारी भेल पूरी बनकर तैयार है। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है। और हमने जो मुरमुरे इसमें फ्राई करके डाला, जिसकी वजह से मुरमुरे अभी तक इसमें क्रिस्पी है इतने सारे चीज़ें डालने के बाद भी। तो मैं बिल्कुल इसको ऐसे ही सर्व करने वाली हूँ जैसे कि स्ट्रीट में हम जाकर खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है न्यूज़पेपर, तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे जैसा कि भेल पूरी वाले हमें सर्व करके देते हैं। और इसके बाद हम इसमें हमारी भेल पूरी डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा तीखी चटपटी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हमारी भेल पूरी बनकर तैयार है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे ट्राई करने के बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी आज की ये रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।